हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड न्यूट्रिशन, ये जो चैप्टर है इसका पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लेंगे, ओके? कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम इस टॉपिक में अभी समझने वाले हैं। तो बेटा, आप लोगों को बता दूं कि देखो, जैसे कोई रिएक्शन जब हम करते हैं, जैसे कि जिंक डस्ट जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डाल दी, तो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको जब हम करते हैं तो इसको मेंशन करने के लिए हम एक सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो सिंपल मेथड को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि कॉपर सल्फेट जो एक्वियस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, एक्वियस सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन, इसमें क्या ऐड कर दिया हमने? जिंक पाउडर। ओके, जिंक डस्ट या फिर जिंक पाउडर भी आप लोग बोल सकते हैं। जिंक डस्ट ऐड कर दी तो क्या मिला अपने को? ये बीच में एरो बनाना है तो हमें मिलता है एक्वियस सॉल्यूशन। किसका? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन मिलता है अपने को, प्लस कॉपर सेपरेट आउट होता है, प्लस कॉपर। इस इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। ये है वर्ड इक्वेशन, ये सिंपल मेथड इसको रिप्रेजेंट करने का। लेकिन इसको भी हम कंडेंस कर सकते हैं। इसका कंडेंस जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनेगा बेटा? देखो, इसका कंडेंस इक्वेशन जो कि हमें लिखने में आसानी हो जाए, ऐसा लिखने के लिए अपने को ये जो कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, इनका कंपाउंड, इन कंपाउंड का फॉर्मूला हमें लगेगा और ये जिंक का सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने को कंडेंस इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे कि देखो, कॉपर सल्फेट CuSO4 और ये एक्वियस है तो इसको ब्रैकेट में AQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस जिंक डस्ट की जगह से जिंक डाल दो, गिव्स राइज टू, यहाँ पे अपने को जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट का ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, प्लस ये कैसा एक्वियस है तो AQ लिख दिया, प्लस कॉपर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से। एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन। इसको ही क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन, कंडेंस फॉर्म होगा ये केमिकल इक्वेशन। इससे अपना जो रिप्रेजेंटेशन है आसान हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। ठीक है बेटा, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जिंक सल्फेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ब्रेकिंग बिटवीन द बॉन्ड ऑफ कॉपर एंड सल्फेट एंड फॉर्मेशन इन बिटवीन द बॉन्ड जिंक एंड सल्फेट, जिंक एंड सल्फेट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर सेपरेट आउट हो रहा है इन दिस वे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से अगला जो है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को राइट करने का तरीका, राइटिंग केमिकल इक्वेशन यहां से शुरू करते हैं ताकि पूरे पॉइंट अपने यहां पे आ जाए। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो रूल्स कौन कौन से हैं वो अपने को इसमें पढ़ना है कि कैसे हमें लिखना होता है केमिकल इक्वेशन, हाउ वी कैन राइट केमिकल इक्वेशन। तो बेटा ये रूल्स आप लोगों को समझने हैं अच्छे से। तो इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। केमिकल इक्वेशन में पहला रूल क्या है बेटा? जो रिएक्टेंट होते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड में। इन केमिकल इक्वेशन ये रूल भी पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए कभी कभी। इन केमिकल इक्वेशन इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड को या इनको लिखा जाता है। ओके आई बात समझ में, आप लोगों के एग्जांपल देके भी समझा के दूंगी। और जो प्रोडक्ट होता है व्हाइल प्रोडक्ट, व्हाइल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट को कहां पे लिखा जाता है? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड, ठीक है? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोनों के बीच में एरो बनाया जाता है। और एरो हीडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इज ड्रॉन। इसमें जो एरो है, एरो हीडिंग, हीडिंग मतलब जिसका हेड कहां पे है, हीडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ। और वो हीडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ एरो बनाया जाता है। उसका जो डायरेक्शन, वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। एरो हीडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट इज ड्रॉन बिटवीन देम, बिटवीन देम विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो क्या करता है? रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। या फिर इट इंडिकेट रिप्रेजेंट, या फिर इंडिकेट, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो रिएक्टेंट है, और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, और ये बना प्रोडक्ट जिसको लिखा राइट हैंड साइड में। दोनों के बीच में एरो बनाया, इसका जो हेड है प्रोडक्ट की तरफ है। समझ में आ रहा है? मतलब यहां से रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है बेटा, सेकेंड रूल जो है वो हम पढ़ेंगे, सेकेंड रूल। तो इसमें जो सेकेंड रूल में अपने को बताया गया है कि इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर देन टू, प्रोडक्ट आर टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। टू और मोर देन टू, मोर देन टू, देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एडिंग प्लस साइन बिटवीन देम। ओके, उनके बीच में क्या ऐड किया जाता है? इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर देन दे आर लिंक बाय भी बोल सकते हैं, लिंक बाय प्लस साइन, प्लस के साइन से लिंक किया जाता है, ऐसा प्लस का साइन। ओके, इन दिस वे, ठीक है, दे आर लिंक बाय प्लस साइन, है कि नहीं बेटा? इस प्रकार से कुछ डिफिकल्ट है क्या इन दिस वे? वो प्रोडक्ट के साइड में भी हो या फिर रिएक्टेंट के साइड में भी। देखो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स रेस्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट गिव्स रेस्ट टू ZnSO4 प्लस कॉपर। देखो प्लस साइन से इंडिकेट किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है कि नहीं बेटा? इस प्रकार से दोनों की तरफ जो दो दो कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड है तो दोनों को प्लस साइन से लिंक कर दिया। थर्ड वाला जो अपना रूल है, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनकी स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है, वो मेंशन किया जाता है। ओके, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, टू मेक द
केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव। स्टेट्स ऑफ, जो स्टेट्स है कौन से स्टेट में है, स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इंडिकेटेड, स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेट क्या है इंडिकेट की जाती है, आर इंडिकेटेड इन इक्वेशन, आर इंडिकेटेड इन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर सॉलिड स्टेट में कोई है तो सॉलिड के लिए एस सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड स्टेट में है कोई अगर तो लिक्विड के लिए एल, और गैसियस स्टेट में है तो गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल जी इस्तेमाल किया जाता है, इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट में। एक एग्जाम्पल देके बताऊंगी, और गैसियस स्टेट के लिए, गैसियस स्टेट के लिए यहाँ पे अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो भी यूज किया जाता है कि इसका मतलब गैस रिलीज हो रहा है, अंडरस्टैंड। चलो एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं हम लोग, और भी इसमें आप लोगों को बता दो, अगर प्रेसिपिटेड फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेड है, प्रेसिपिटेड अगर वहां पे फॉर्म हुआ तो इंस्टेड ऑफ एस, सॉलिड का एस इसके अलावा वहां पे क्या आएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो। प्रेसिपिटेड अगर फॉर्म होता है तो उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा, इस प्रकार से। चलो आप लोगों को एग्जाम्पल देके बता देती हूँ, जिंक जो है सॉलिड स्टेट में है तो इस प्रकार से सॉलिड में हमने लिख दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एक्वियस सॉल्यूशन तो ब्रैकेट में एक्यू लिख देंगे। हाँ ये बताना रहा कि अगर एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन है तो एक्यू से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्वियस सॉल्यूशन को एक्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। गिव्स राइज टू यहाँ पे जिंक सल्फेट, इट इज ऑल्सो एक्वियस सॉल्यूशन प्लस यहाँ पे कॉपर बन रहा है जो कि सॉलिड स्टेट में है, इन दिस पे इनकी जो स्टेट्स है रिप्रेजेंट की जाती है। ये तीन रूल मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब और हमारे दो तीन और रूल बचे हैं वो आप लोगों को समझा के देती है, उसके लिए हमें ये पॉइंट मिटाने होंगे। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है बेटा, वैसे कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, अगर नहीं समझते हैं तो आप बैक जाके फिर से इसे सुन सकते हैं तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपना चौथा रूल क्या है इक्वेशन लिखने का, फोर्थ रूल क्या है वो देखते हैं अभी हम, फोर्थ रूल ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखने का चौथा रूल क्या है वो देखते हैं बेटा, अब हम फोर्थ रूल, चौथा रूल, ठीक है। तो इसमें अपने को बताया गया है कि वेन हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, अगर बाहर से अगर हीट दी जाती है तो उसके लिए, अगर हम बाहर से हीट देते हैं तो उसके लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं एरो के ऊपर, ट्रायंगल अगर बन गया तो समझ लो कि उसको बाहर से हीट सप्लाई की जा रही है, ठीक है। जब हीट सप्लाई करनी पड़ती है कोई रिएक्शन होने के लिए तो ट्रायंगल बनाया जाता है एरो के ऊपर। When heat is to be given from outside to bring about the reaction, it is indicated by the sign triangle. Writing above the arrow. When heat is given from outside, किसके लिए हीट देनी है अपने को? टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन, रिएक्शन करा के लाने के लिए, टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन, रिएक्शन करा के लाने के लिए जब हम बाहर की साइड से हीट देते हैं तो उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है? इट इज इंडिकेटेड बाय ट्रायंगल साइन, ये ट्रायंगल साइन से इंडिकेट किया जाता है, ट्रायंगल साइन से इंडिकेट किया जाता है, जो कि हम इसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न अबव द एरो के ऊपर उसको लिखा जाता है, ठीक है बेटा।
तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उसको हीट सप्लाई की गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं हम, हीट दी हमने, तो क्या होगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगा। ओके, इस प्रकार से आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इट इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट, इट इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट, ये स्टेट रिप्रेजेंट करके हम इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, ये चौथा रूल भी बड़ा आसान था। पांचवा रूल समझते हैं बेटा, इट इज कभी कभी रिएक्शन होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस वहां पे अप्लाई करनी पड़ती है, जैसे कि कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है या फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है या फिर कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये सभी जो कंडीशंस है इनको भी हम इक्वेशन में मेंशन करते हैं ऑन द एरो, एरो के ऊपर उसको मेंशन करना पड़ता है ताकि इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाए। ठीक है बेटा, इस प्रकार से तो ये पांचवा रूल है। इट इज नेसेसरी टू फुलफिल, इट इज नेसेसरी टू फुलफिल द कंडीशन, कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी होता है, सर्टन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, इट इज नेसेसरी टू फुलफिल कंडीशंस, कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट एक्सेट्रा, ये जो चीजें हैं तो ये अपने को वहां पे यूज करनी पड़ती है टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, टू ब्रिंग अबाउट रिएक्शन, रिएक्शन करा के लाने के लिए हमें ये करना पड़ता है कुछ, कभी कैटलिस्ट डालना पड़ता है, कभी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, कभी प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो इनको इंडिकेट किया जाता है बिलो और अबो द एरो। दिस इंडिकेटेड बिलो और अबो द एरो, बिलो या फिर नीचे या फिर ऊपर, बिलो और अबो द एरो, एरो के ऊपर या फिर नीचे उसको इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता दूं, जो वनस्पति जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होती है। वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन गैस को हमने पास किया तो ये रिएक्शन को फास्ट होने के लिए हमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, निकेल कैटलिस्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, साथ ही में इसमें हमें टेम्परेचर भी बढ़ाना है, हीट देनी है उसको, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कैसे करना है, अलग अलग वे होते हैं, निकेल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ने लिख लिया कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने इसका बढ़ाया है, निकेल कैटलिस्ट इसमें डाल दिया है, तो ये जो यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट मिलता है वो है वनस्पति घी, वनस्पति घी अपने को इस प्रकार से मिल रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये H2 मतलब गैस है, और ये वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में है, इन दिस वे। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। और आखिरी वाला जो है अपना, अगर हम कोई लिक्विड सॉरी जब हम कोई एसिड इस्तेमाल करते हैं तो वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, वो हम उस एसिड के नीचे मेंशन कर सकते हैं। ओके, स्पेशल इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो प्रोडक्ट के नीचे हम उसको लिख सकते हैं, स्पेशल इन्फॉर्मेशन और नेम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिटर्न बिलो देयर, ओके फॉर्मूला, उनके फॉर्मूला के नीचे स्पेशल इन्फॉर्मेशन। किसकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन या फिर उसके नाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, स्पेशल इन्फॉर्मेशन और नेम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर रिटर्न, रिएक्टेंट्स
और की जगह कॉमा कर देंगे, प्रोडक्ट्स आर रिटर्न बिलो देयर फॉर्मूलेज, आर रिटर्न बिलो देयर फॉर्मूलेज। उनके फॉर्मूला के नीचे उनका नाम या फिर उनकी जो स्पेशल जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि कॉपर है, इसके इसके ऊपर हमने नाइट्रिक एसिड डाल दिया HNO3। अगर वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके नीचे लिखो एक्वियस वाला है ये, तो इस इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ पे ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड हम लिख देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3/2 कॉपर नाइट्रेट मिलता है, प्लस हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहा है, NO2 प्लस H2O वाटर मिलता है इन दिस वे। ठीक है बेटा, ये लिक्विड स्टेट में है वाटर, और ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होता है इन दिस वे। आई होप आप लोगों को ये सभी रूल्स जो है समझ में आ गए होंगे। आगे हमें एक एक्टिविटी देखनी है, चलो देखते हैं एक एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक अपना, एक एक्टिविटी अपने को समझनी है बेटा। आप लोगों को करना क्या है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब और कोनिकल फ्लास्क लेना है। क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब एंड कोनिकल फ्लास्क ले लो। टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है आप लोगों को, टेस्ट ट्यूब में आप लोगों को भरना है सिल्वर नाइट्रेट। टेस्ट ट्यूब ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले लो और एक कोनिकल फ्लास्क ले लो। इस प्रकार से जो होता है ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इन दिस वे ये है कोनिकल फ्लास्क। इसमें आप लोगों को भर देना है, इसमें आप लोग भर देना है कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, NaCl का सोल्यूशन। इसमें क्या भर दिया आप लोगों ने, NaCl सोडियम क्लोराइड। और एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो हमें इसमें ही रखनी है। इसमें हमने रख दी और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या भर दिया बेटा, टेस्ट ट्यूब में भर देना है आप लोगों को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3। और ये जो है कोनिकल फ्लास्क, इसको ऐसे रबर स्टॉपर से क्लोज कर दो, पूरा रबर स्टॉपर लगा दो यहाँ पे इन दिस वे। ठीक है बेटा, रबर स्टॉपर लगा दिया। अब जो है इसको मेजर कर लो, इसका वेट गिन लो, तो आप लोगों को दिखेगा 300.23 ग्राम ये होता है, 300.23 ग्राम है ये। फिर आप लोगों को क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क को ऐसा इंक्लाइन करना है, ऐसा पूरा तिरछा करना है उसको, ताकि क्या हो कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर का जो सोल्यूशन है पूरा इसमें गिर जाए। इसलिए ऐसा उसको करो, उल्टा करेंगे आप लोग तो इसके अंदर वो गिर जाएगा। मतलब क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगा, AgNO3 प्लस NaCl, इनके बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा और अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस यहाँ पे NaNO3 मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। और ये भी जब मिला हमें तो इसका भी मेजर करो, ठीक है, इसका भी आप लोग जब मेजर करते हैं तो आप लोगों को दिखेगा। पहले इसका मेजर किया था कितना था, 300.23 ग्राम था, फिर हमने ये रिएक्शन होने के बाद फिर से इसका मेजर किया तो अपने को वही मिला, 300.23 ग्राम मिला, है कि नहीं बेटा। इसका मतलब क्या है, ये जो मास है रिएक्टेंट का, नाइदर गेन और नॉर लॉस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जितना पहले था उतना ही रिएक्शन होने के बाद रहा। इससे हमें एक लॉ पता चलता है, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन का लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है, मास Neither be gain nor be destroyed, mass neither be gain nor be destroyed, nor be destroyed during chemical reaction, destroyed during chemical reaction, chemical reaction होते वक्त mass ना तो घटता है ना तो कम बढ़ता है, during chemical reaction। ये वाली चीज हमें समझ में आती है, ठीक है बेटा, चलो
आगे अपने को बेटा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को याद रखना है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन ओटरिंग्स। ओटरिंग जो देखो आप लोगों ने देखा होगा ओटिंग करने के बाद जो भी पर्सन होता है जो ओटर होता है उसके ये फिंगर पे यहाँ पे इंक लगाई जाती है वो ओटरिंग बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के देती हूँ यूजेस सिल्वर नाइट्रेट के। चलो यहाँ पे लिख के देती हूँ यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने AgNO3। ओके तो इसका फर्स्ट यूज क्या है सिल्वर नाइट्रेट यूज इट इज यूज इन वॉटर इंक्स। इट इज यूज इन वॉटर इंक। यूज इन वॉटर इंक। वॉटर इंक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट जो है इट इज यूज इन यूज एज रिएक्टेंट इन लैबोरेटरी। सेकेंड यूज इसका इट इज यूज एज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में भी इसका यूज होता है रिएक्टेंट के तौर पे मतलब जो हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करा हाइड्रोजन को गेन कराने वाला ऑक्सीजन को रिमूव कराने वाला यूज एज रिएक्टेंट इन लैबोरेटरी। ओके इन दिस वे। थर्ड यूज इसका इट इज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड्स एंड स्किन बर्न। अगर जल जाता है या फिर कोई लग जाता है आप लोगों को तो वहां पे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज होता है। थर्ड यूज इट इज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इट इज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड एंड स्किन बर्न एंड स्किन बर्न इन दिस वे। आई होप आप लोगों को ये यूज भी समझ में आ गए होंगे। बेटा यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अगला जो टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।